दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब, 6 महीने में एक दिन होता है, काम करता है यह युवक। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। करीब 1 मिनट 32 सेकंड से ज्यादा के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि एक पुरुष एक टॉवर गगनचुंबी टॉवर पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस टॉवर पर इस युवक की नौकरी के बारे में बताया जा रहा है। इस जॉब में युवक को मोटी सैलरी मिलती है। दरअसल अमेरिका में एक टीवी टॉवर है, इसमें काम करने वाला युवक इसमें काम करने के लिए करीब $20,000 तक लेता है। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बिना किसी सहारे के ही एक शख्स निया के सबसे ऊंचे टीवी टावर पर चढ़ गया। वहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि यह काम 6 महीने में एक बार किया जाता है। आपको बता दे, ट्रांसमिशन टावर पर नौकरी पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। ट्रांसमिशन टावर वर्कर को करीबन 1500 फीट ऊंचे टावर पर चक्कर ट्रांसमिशन टावर के मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक इतने ऊपर चक्कर टावर का मेंटेनेंस कर रहा है। इस टावर पर चक्कर युवक एक खराब ब्लफ को बदल रहा है। इतने ऊंचे टावर को देखकर ही कोई भी इंसान घबरा जाए, और जब लोग इस टावर पर चक्कर इसमें सुधार का काम करते हैं तो जरा सोचिए उनके क्या हाल होता होगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि ट्रांसमिशन टावर के मेंटेनेंस करते समय वर्कर्स के पास उनकी सेफ्टी के लिए भी कुछ नहीं है।